हेलो एंड वेलकम, एमएस सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू जिंदा है और जिंदगी के नाक में दम कर दे अपनी मंजिल पाने के लिए। चलिए उसमें मैं थोड़ी आपकी सहायता करता हूँ। क्लास 10 प्रश्नावली 4.3 क्वेश्चन 1 का दूसरा जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये है द्विघात समीकरण 2x² + x - 4। इसको सेव उठा के लिखा है मैं। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ a बराबर लिखेंगे, a यहाँ से आता है, b इससे आता है, यहाँ एक इसका गुणज है, गुणनखंड है, फिर c ये वाला माइनस रहेगा तो माइनस जरूर लिखेगा। अब आ गया ए बी सी, तो आपको लिखना है इसलिए विभक्त कर, या d बराबर b² - 4ac, b का वैल्यू 1² - 4 * a का वैल्यू कितना 2, c का वैल्यू कितना है 4। एक का स्क्वायर एक होगा, इधर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 8 = 32 - + आया 32 + 33, तो हमारा डी प्लस में है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लिखेंगे चूंकि डी इज ग्रेटर देन 0 इसलिए मूल या दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और असमान है, वास्तविक है तभी हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। चलिए इसको उठाते हैं अब फिर से वापस इस इक्वेशन की ओर आते हैं। अब इसमें क्या बोला है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, अगर कल वाली वीडियो या इसके पीछे वाला वीडियो देखे होंगे तो मैंने उसको बताया है कि इसमें मल्टीप्लाई क्यों होता है, जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे 2 है, इसको वर्ग करने के लिए दोनों ओर 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 2 से गुना करने के बाद ही वह वर्ग बनता है। तो 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो पूरे समीकरण के साथ, पूरे इक्वेशन के साथ होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 2 × 4 हो गया 4x² + 2x - 4 × 8। 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 को x से तो 2x, 2 को 4 से -8, इधर आ जाएगा 0। और अब हमें बैठाना है इसको फार्मूला में। अब फार्मूला कौन होगा आपको ध्यान रखना है, यहाँ फार्मूला आएगा a + b² a + b² में क्या फॉर्मूला आता है, a² मतलब 2x² प्लस 2ab होता है, तो आ गया 2, a का वैल्यू कितना है 2x। अब इसमें हम लोग इसके आधार पर यहाँ बैठाते हैं, यहाँ तो ऑलरेडी आ गया 2x, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ गया, तो भाई ये गड़बड़ हो गया। ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, 1/2 लगाना है। 1/2 क्यों, क्योंकि 2 और 1 2 कट जाएगा तो वापस आ जाएगा हमारा 2x, तो b का वैल्यू आ गया। ये अपने आपको इसका फैक्टर करके बैठाना पड़ेगा, फिर जैसे b बैठा है उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा हमारा b का स्क्वायर कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये 1/2 का होल स्क्वायर यहाँ कहीं नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ एक माइनस वाला भी सेम यही पद लिखना पड़ता है और फिर -8, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर आपको आगे बताया जाएगा। ये पूरा जो पार्ट्स है ये है a² + 2ab + b², ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका a + b² ये आपका काम समाप्त। यहाँ है -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 -8 = 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे में आप इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आने वाला है। ये सेम रहेगा, 2x + 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, ये जो ब्रैकेट में लिख दिया, यहाँ पे माइनस और यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो आपका एलसीएम आएगा 4, 1 और 8 = 32 होता है = 0। और 2x + 1/2 का होल स्क्वायर सेम रहेगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो -1 और -32 तो क्या जाएगा -33/4 = 0।
ये बोला टर्म्स उधर चला जाएगा तो क्या आएगा, आएगा 2x plus 1 by 2 का होल स्क्वायर, उधर जाएगा तो प्लस 33 by 4 आएगा। अब स्क्वायर को, जब स्क्वायर को उधर लगेंगे तो 2x plus 1 by 2 यहाँ बचेगा और उधर प्लस माइनस अंडर रूट 33 by 4 आएगा। इसको अगर फैक्टर करेंगे, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2x plus 1 by 2 अंडर रूट 33 ही रहेगा लेकिन नीचे आ जाएगा 2। अब अगला स्टेप, ये वाला टर्म्स यहाँ प्लस में छूट गया, ये वाला उधर चल जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2x इक्वल टू 1 by 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 by 2। ये पीछे भी लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ प्लस 1 by 2 था, उसको उधर लेंगे 1 by 2 आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस उधर था, इस चीज को ध्यान रखिएगा, नहीं तो हड़बड़ में गड़बड़ करेंगे तो आप फंसेंगे। अब 2x इक्वल, ये दो टर्म्स में इसको लेंगे, अब 1 by 2 एक बार लेंगे माइनस अंडर रूट 33 by 2 और दूसरा इसमें आएगा 2x इक्वल टू माइनस 1 by 2 प्लस अंडर रूट 3 by 2। ये ऐसे डिवाइड कर दीजिए, दो टॉपिक दो पार्ट में कर दीजिए, सॉल्व करेंगे 2x यहाँ क्या आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मतलब माइनस 1 और माइनस अंडर रूट 33 ये आया। इसको इधर लगेंगे तो ये गुना है, भागा हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या आएगा, x बराबर माइनस माइनस 1 माइनस अंडर रूट 33 बाय 2 को 2 इंटू 2 एक स्टेप बढ़ा देते हैं, माइनस 1 माइनस अंडर रूट 33 बाय 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x इक्वल टू यहाँ बेस सेम है तो 2 आएगा, एलसीएम माइनस 1 और प्लस अंडर रूट 3, इसको कुछ नहीं कर सकते, और यहाँ आएगा इसलिए x बराबर माइनस 1 प्लस अंडर रूट 33 और ये 2 इसके साथ आके मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 1 प्लस अंडर रूट 33 बाय 4। ये रहा आपके दो मूल, नीचे लिख दीजिए, अतः अभिष्ट मूल x बराबर कर दीजिए जो जो आया लिख दीजिए, माइनस 1 माइनस अंडर रूट 33 बाय 4 और माइनस 1 प्लस अंडर रूट 33 बाय 4 आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, अगर आएगा तो तुरंत लाइक बटन को दबाएंगे और मेरे चैनल को अगर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, और सारे विद्यार्थियों से अनुरोध है कि जितना से ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर कीजिए, कोई समस्या होगा तो कमेंट करेंगे। धन्यवाद।